हेलो फ्रेंड्स बहुत टाइम से सोच रही थी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप सबसे बात करने के लिए जो मैं बहुत बहुत साल से बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को समझाती सिखाती आ रही हूँ और जिसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं पिछले करीब करीब बीस साल की मेरी जो जर्नी है रिसर्च करियर की उसके दौरान और बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि ये जो जर्नी मैं Uh, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली शेयर करती रही हूँ या कभी क्लासेस में भी शेयर करती रही हूं अपनी क्योंकि रिसर्च खुद मेरे लिए एक बहुत बड़ा पैशन है तो मैं हमेशा ही कोशिश करती रही हूँ कि किसी तरह मैं और स्टूडेंट्स uh, को भी अगर प्रमोट कर पाऊँ और रिसर्च uh, को ऑप्ट करने के लिए रिसर्च uh, को एज करियर चूज करने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाऊँ और फिर उनकी हेल्प कर पाऊँ उस जर्नी के दौरान तो वो कोशिश मैं बहुत सालों से करती रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ इट्स अ लॉन्ग uh, जर्नी uh, बहुत uh, लंबा चौड़ा स्ट्रगल uh, होता है उसके लिए लेकिन uh, उस स्ट्रगल uh, में धीरे धीरे uh, इतना इन्जॉयमेंट होने लगता है आपको uh, अपने रिसर्च करियर के दौरान जो आपके टॉपिक्स uh, हैं रिसर्च टॉपिक्स हैं जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे जिन पे आप काम कर रहे होते हैं धीरे धीरे वो आपका पैशन uh, बन जाते हैं आप उनको रियल uh, लाइफ में इंजॉय करने लग जाते हो उनके साथ अपने अच्छे एक्सपेरिमेंट्स के साथ खुश होते हो बुरे एक्सपेरिमेंट्स के साथ थोड़े सैड होते हो और जब अच्छे पेपर्स आ जाते हैं पब्लिश हो जाते हैं तो खुश हो जाते हो सो so, ये एक बड़ी uh, खूबसूरत सी जर्नी है uh, जिसके बहुत सारे uh, पार्ट्स हैं तो मैंने सोचा एक सीरीज मैं शुरू करती हूँ आज आप सबके साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे अपने कमेंट्स करके बताइएगा अः uh, मैं uh, अगर कुछ और आप उसमें ऐड करवाना चाहें तो वो भी कोशिश करूंगी करने की जो इतना मेरी कैपेसिटी में है तो बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाह रही थी एक सीरीज जिसमें मैं आप सबको रिसर्च के बारे में ये बताऊंगी स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग कि आप कैसे रिसर्च टॉपिक सेलेक्टेड करते हैं किसी uh, पेपर के लिए uh, या पेपर्स किस किस फॉर्मेट में होते हैं फिर आप रिसर्च पेपर के लिए जब टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो पूरी किस तरह से जो जर्नी है फाइनली कंक्लूड करने की कि रिसर्च पेपर का आप जो टॉपिक कंक्लूड करें या चूज़ करें वो कैसे करें फिर उसके बाद आपका रिसर्च पेपर हो गया तो फिर आप उस पेपर को कैसे लिखें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए उसके बाद आपको आ, उस रिसर्च पेपर को जब वो कंप्लीट हो जाए तो उससे रिलेटेड आगे आपको कौन सी चीजें सोचनी है उसके बारे में वो कैसे पब्लिश होगा आपको कहाँ तक उस पब्लिकेशन को आ, प, उसके पब्लिशकेशन के लिए आपको उस आ, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा तो ये पूरी जर्नी अपनी अपनी स्टार्टिंग टिल एंड कि आप पेपर का एक टॉपिक चूज करें फिर उसके बाद उसके बारे में लिखें लिखने के बाद उसे पब्लिश कराएं इस पूरी जर्नी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और बहुत सारी चीजें बीच बीच में आती रहेंगी तो आप प्लीज कोशिश करिएगा इसको पूरा कंप्लीट देखें एंड तक ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों लो तक पहुंचे इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि आप से बात जो कर रही हूँ वो हिंदी में ही हम बात करें और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ पाए क्योंकि आ, यही ये हमारी सबसे ज्यादा वेल स्पोकन लैंग्वेज है या भाषा है जिसके बारे में हम सब बात करते हैं आपस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं हमारी मातृभाषा है तो हम हमें उसको समझने में बोलने में ज्यादा आसानी होती है और uh, मोस्टली जो आपको वीडियोज बहुत अच्छे वीडियोज मिलते हैं वो क्योंकि आपके लैंग्वेज में नहीं हो पा होते हैं तो इसलिए आप उसको समझने में आपको डिफिकल्ट होता है डिफ़िकल्टी होती है आपको समझने में दिक्कत होती है तो इसलिए इसको कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में ही बात करें